नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में किस अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, हम आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी के किस ऐलान से राजनीति तेज हो गई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रोजगार मेला के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी, जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उधर छत्तीसगढ़ के बाद चुनाव आयोग की टीम अब मिजोरम में 3 दिन के दौरे पर है। आइए इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में इंडिया गठबंधन के झंडे को लेकर चर्चा हो सकती है। सूत्रों से खबर यह है कि गठबंधन अपने लिए एक झंडा तय कर सकता है, जो सभी बैठकों और रैलियों में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि राज्यों में सभी दल अपने अपने चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन के BSP सुप्रीमो मायावती से संपर्क हुआ है। मायावती ने विपक्षी गठबंधन से यूपी की 80 में से 40 सीटों की मांग की है, जिस पर मुंबई में होने वाले बैठक में चर्चा होनी है। इससे पहले मायावती अकेले ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। मायावती ने साफ कर दिया था कि न तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी और ना ही NDA का। विपक्षी गठबंधन के लिए मायावती की मांग मानना मुश्किल है। अगर गठबंधन मायावती की मांग मान भी लेता है तो सीट शेयरिंग पर पेच फंसना तय माना जा रहा है। उधर आम आदमी पार्टी ने गुजरात की तर्ज पर बिहार में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी योजना की घोषणा कर डाली है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान विपक्ष की मुंबई बैठक से ठीक पहले किया है। अरविंद केजरीवाल का यह कदम 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी एकता को और कमजोर कर सकता है। भले ही बिहार के सत्ताधारी दल इस पर खुलकर केजरीवाल की आलोचना करने से बच रही हों, इस बारे में RJD सांसद और इंडिया गठबंधन के रणनीतिकारों में से एक मनोज झा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने 90 शब्दों में आम आदमी पार्टी के फैसले से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। मनोज झा ने कहा है कि जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था तो कुछ मर्यादाएं तय की गई थी, उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी उन मर्यादाओं का पालन करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक का कहना यह है कि लोकसभा चुनाव आपसी सहमति से लड़ने की बात हुई है। आपको सुना देते हैं मनोज झा और संदीप पाठक ने और साथ ही नीरज कुमार ने आखिर क्या कहा है इसे लेकर। विधानसभा चुनाव तो हमारी तैयारी बहुत पहले से चल रही है और अच्छे से लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, सारी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ते जाएंगे। बिहार जो है वहां पे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस है बहुत लंबे समय से, उसमें कोई नया एडेड ऑन कुछ भी फीचर नहीं। इंडिया गठबंधन की जब नींव पड़ रही थी और जब उसका ढांचा खड़ा हो रहा था तो उसकी कुछ मर्यादाएं थी और उन मर्यादाओं पर थोड़ा विशद विश्लेषण भी हुआ था, बातचीत हुई थी। मुझको लगता है कि बयानों के इतर वो उस मर्यादा का पालन करेंगे। अब हर एक पार्टी को अपना विस्तार करने का अधिकार है और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से लेकर करके माननीय संजय सिंह जो आप पार्टी के हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह मंतव्य दिया है कि हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। इसलिए अब कोई दूसरे लोग पार्टी का अपना विस्तार करते हैं, अब हमारी पार्टी दूसरे राज्यों में नहीं है, हम भी वहाँ विस्तार करते हैं, लेकिन हम मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राज्यों के अंदर जो अंतर विरोध है उसको समय रहते पाट दिया जाएगा, कोई चिंता मत करिए, इंडिया एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा और हमारी इच्छा है एक सीट पर एक उम्मीदवार। हाल ही में दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ने के मसले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच काफी तकरार हुई है और अब बिहार चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का ये ऐलान विपक्षी गठबंधन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रोजगार मेला के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। कुल 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के युवा पीएम के विश्वासघात को पहचान चुके हैं और 2024 में मोदी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। चलिए सुनवाते हैं आपको कि इस पूरे मसले के बाद, यानी नियुक्ति पत्र बांटने के बाद, पीएम मोदी ने क्या कहा है, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे निशाना साधा है। भारत इस दशक में top 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ,
मेरे देशवासी मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि इसका देश के सामान्य नागरिक पर क्या असर होगा, और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है। साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। तो जाहिर है, लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ केंद्र सरकार रोजगार मेले का आयोजन करके युवा वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले को क्या स्टंट बताकर मोदी सरकार को चुनावों में मात देने की तैयारी कर रहा है। और अब रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में बीजेपी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने वाली है। 3 सितंबर को गृहमंत्री अमित शाह चित्रकूट से पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्राएं 25 सितंबर तक चलने वाली हैं और इस यात्रा के जरिए राज्य की हर विधानसभा सीट पर बीजेपी का फोकस रहेगा। सुनाते हैं आपको नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक दल है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश जिस दुरावस्था के दौर में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। दरअसल बीजेपी की कोशिश ये है कि जन आशीर्वाद की यात्रा के राष्ट्रीय स्तर पर इस चर्चा हो जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में पार्टी को इसका फायदा मिल जाए। इस साल होने वाले चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग 5 राज्यों का दौरा कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद चुनाव आयोग की टीम अब पहुंचे मिजोरम के 3 दिन के दौरे पर। चुनाव आयोग राज्य में तैयारियों को लेकर मुआयना कर रहा है। सितंबर के पहले हफ्ते में आयोग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने की बात कही है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव आयोग 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। मध्य प्रदेश में 6 जनवरी तक विधानसभा का कार्यकाल है, वहीं छत्तीसगढ़ में 3 जनवरी, तेलंगाना में 16 जनवरी, राजस्थान में 14 जनवरी और मिजोरम में 17 सितंबर तक विधानसभा का कार्यकाल है। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत,